खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में फिर सामने आया भ्रष्टाचार। नियमों को ताक पर रखकर बना दिए 220 ओपीएच कार्ड। ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज राशन कार्ड का नहीं है दफ्तर और सरकार की सूची में कोई रिकॉर्ड। बोगस ओपीएच कार्ड धारक ले रहे हैं सरकार का राशन। निरीक्षक ने पत्र लिखकर कहा नियमों के विरुद्ध जारी हुए हैं कार्ड। जनवरी 2022 में निरीक्षक ने डीएफएससी को लिखा था पत्र। 220 के करीब हो ओपीएच कार्ड बोगस धारकों की भेजी सूची। निरीक्षक के पत्र पर कुंडली मारे बैठे रहे जिले के अधिकारी। आरटीआई लगाई तो सामने आया पत्र। ओपीएच कार्ड धारक को मिलता है प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं। जिले में बोगस ओपीएच कार्ड धारकों की संख्या हजारों में। कुछ अधिकारियों ने दलालों के साथ मिलकर खेला पूरा खेल। लाखों रुपयों की हुई अनियमितता, सरकार कराए जांच तो सामने आ सकता है गेहूं का बड़ा गड़बड़ झाला। तो अगर बात कर ले 200 आप बता रहे हो, तो इस तरीके से अगर जिले की बात कर ले तो काफी लंबा चौड़ा भ्रष्टाचार है। 2000 करीब 2000 कार्ड पाएंगे जी। और इन्होंने, मैं समझता हूँ भाई, बगैर लालच के इतने तो ये धर्मपुत्र वो नहीं है महकमे वाले की बना बना के लोगों को वैसे दे दियो। इसके अंदर इन्होंने जरूर पैसे लिए होंगे जी, पिक एंड चूज किए हैं। और ये ग्रोह था पूरा, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये बगैर लॉगिन आईडी के तो होता नहीं है। जीआईआर में लिख दिया तो पैसे लेके बनाए हुए मुझे प्रतीत होता है। नहीं, इसमें मामला क्या था पूरा, किस तरह से आपको फर्जीवाड़ा लगता है, पूरा मामला समझाओ ताकि लोग समझ सके कि मामला क्या है पूरा। फर्जीवाड़ा ये है कि भाई मैंने जो है ना, मैं इस डिपार्टमेंट की पिछले 6 महीने से कई जगह मुझे इनमें बेईमानी नजर आती है, तो आरटीआई मांगता रहता हूँ। मैंने कई मामले उजागर भी किए हैं और मुझे ऐसा भी अनुभव हुआ कि भाई मेरे गांव में भी शायद 2-4 फर्जी कार्ड इन्होंने बनाए हुए हैं, ये बताते नहीं। हम जब इनके पास कहते हैं किसी को भाई कार्ड बनाना, या इनके नाम जोड़ दो इसके अंदर, भाई किसी के बेटा बेटी हो गया, एक साल बाद उसका नाम दर्ज हो जाना चाहिए, तो ये कहते हैं वो तो वेबसाइट ही बंद है। इनके दलाल जो बैठे हैं वो पता नहीं किनके माध्यम से इनके नाम जोड़ते हैं, काटते हैं और कैसे राशन कार्ड बनाते हैं। तो मैंने अप्रैल 2022 में एक आरटीआई लगाई कि भाई धारू हेड़ा, क्योंकि मेरा जो पी ये केंद्र है ना ईएफएस का, हमारा जो गांव आता है वो धारू हेड़ा के अंतर्गत आता है जी। इसलिए मैंने सोचा पहले धारू हेड़ा की बात करें जी। तो धारू हेड़ा जो इंस्पेक्टर है उसका जो कार्यालय है, उस कार्यालय से 1 जनवरी 2022 से 31/3/2022 तक जितने भी कॉरेस्पोंडेंट्स गए हैं डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई कंट्रोलर रेवाड़ी कार्यालय, उनके सबकी आरटीआई मैंने मांगी। तो ये कोई बड़ा मामला भी नहीं था, ना मैंने कोई ऐसी भाई जो धारा 8 है इसकी आरटीआई एक्ट की कि भाई उसका कोई वायलेशन हो रहा था। वो चिट्ठियां मैंने मांगी तो इन्होंने वो देने में आनाकानी की, और मैंने विश्वास सूत्रों से ये बिल्कुल उस विभाग के कार्यालय में जाता रहता हूँ। मैंने डीएफएससी के टेबल के ऊपर ना वो सभी आरटीआई जो डीलिंग बाबू है उन्होंने उसको टाइप करके बाकायदा मोहर लगा के रखा हुआ देखा। 1 महीने के अंतराल में मुझे आरटीआई मिलनी चाहिए थी, मैंने 20 दिन बाद ही देख ली कि इसकी टेबल पर सब तैयार है, इसने अटेस्ट करके देनी है, लेकिन वो उसने नहीं दी। और फिर मैं अपील चला गया, अपील में चला गया तो अपील के अंदर भी इन्होंने आसानी से वो बात मेरी नहीं माननी जी। फिर इन्होंने मुझे एक चिट्ठी ली जो आरटीआई से मिला, तब कहीं जाके डिपार्टमेंट की चर्चा में आई? नहीं, डिपार्टमेंट की चर्चा में तो आज भी नहीं है। ये तो मैं मुबारकबाद देता हूँ प्रेस के बंधुओं को कि उन्होंने मेरी बात को सुना, जब मैंने इनको बताया कि भाई ये बात है, उन्होंने इसको अखबार में छापा, और छापने के बाद जब इनसे सवाल जवाब हुए तब वो जाके आज शायद आए हो तो आए हो, बाकी अब तक तो उन्होंने कोई कार्रवाई इस पे नहीं की है। जो मामला था, क्या ये पूरा मामला है और जांच कहां तक पहुंची है इसमें? जी, ये अभी एक मामला संज्ञान में आया है कि कुछ ओपीएच कार्ड गलत बने हुए हैं, इसकी कंप्लेन आई है, और इसके लिए हमें सभी सेंटर इंस्पेक्टर को लिख दिया है कि इसकी जाँच की जाएगी। जाँच के बाद ही हमें पता चलेगा कि कितने कार्ड गलत बने हुए हैं या सही हैं। जो सही कार्ड बने हुए हैं उनको रखा जाएगा, गलत के लिए कैंसिल किया जाएगा, और जिस निरीक्षक ने किया है या उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ है ये जो लेटर आया था तब हमने हेडक्वार्टर पे मार्गदर्शन के लिए लिखा हुआ है, जैसे वहाँ से जो भी निर्देश आएंगे उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या मार्गदर्शन मांगा है? हमें ये मांगा गया है कि अगर ये जो भी जिस तरीके से बने हैं, गलत बने हैं सही बने हैं,
तो उसको क्या उचित कार्रवाई बनती है? कार्रवाई के लिए मांगा है कि भाई क्या कार्रवाई बनती है। अगर बात कर ले कौन इंस्पेक्टर था जिसने सबसे पहले इस घोटाले को उजागर किया? जी ऐसे है कि जो कार्ड ऑनलाइन हुए 2017 से हुए हैं, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते कि किसने ये किया है नहीं किया, जब तक जांच चलेगी उसके बाद ही सब संभव। अगर लेटर की बात करें तो लेटर के साथ साथ दूसरे जो कार्ड है उनके नंबर शुदा लिस्ट भी जारी की है, तो ऐसे संज्ञान में अगर बात मान ले एक धरोड़ा सर्कल की माने तो कितने कार्ड आपको यहाँ उसमें दर्शाए गए हैं? कार्ड बताए हैं एक सर्कल में, एक सेंटर पे। जी एक सेंटर, एक सेंटर पे। बाकी की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, जिस दिन इस इंस्पेक्टर ने हमें बताया था हमने बाकी सभी सेंटर पे लिख दिया था इसके बारे में, उनकी जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। तो माना जाए कि जो गलत तरीके से राशन लिया गया था, ये तो माना जाए कि जिन लोगों का कार्ड ये बना है उन्होंने गलत तरीके से राशन लिया है डिपार्टमेंट से। अगर वह जांच में आता कि गलत राशन कार्ड बने हुए, जांच तो आपके इंस्पेक्टर ने करी दी भी ये कार्ड जो है ऑनलाइन है लेकिन इसका रिकॉर्ड में कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो मान लिया जाए ये बोगस कार्ड थे। नहीं जी ऐसे है कि दो या तीन तरीके से कार्ड बनते हैं जी, तो जब तक सर्कल ऑफिस जांच नहीं कर लेता तब तक हम नहीं कह सकते। इंस्पेक्टर ने तीनों जो कारण है तीनों बताई है, तीनों में बताया है उसने कि बिल्कुल किसी तरीके का रिकॉर्ड नहीं है, तो ये तो मान लिया जाए कि 200 कार्ड जो है बोगस थे जी, माना जाए ये तो जी। एक बार जांच आएगा तभी हम नहीं, आपके इंस्पेक्टर ने बाकायदा लिस्ट जारी कर कर कहा है कि मैंने सभी तीनों रिकॉर्ड जिस तरीके से भी राशन बनता है कार्ड बनता है वो कोई प्रोसेस में कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका। आपकी बात बिल्कुल सही है, जो जिस किसके किसके टेन्योर में बने हैं कौन तत्कालीन अध्यक्ष कौन था तो ये सब पता जांच में ही चल पाएगा उसके। अभी एक सर्कल की बात थी, अगर अगर बात कर ले पूरे जिले की या पूरे स्टेट की तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ झोला है कहीं ना कहीं? जी हमें इस आशंका को देखते हुए बाकी सभी सेंटर पर भी हमने लिखा है और जल्द ही इसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो जो हम आपके साथ शेयर करेंगे।